हिस्सा इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ बारिश के संकट से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं। गुजरात का नवसारी उन्हीं में से एक है। वहां लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, और सबसे बड़ी बात, देवदूत बनकर सामने आए हैं हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान, और उनको लाखों सलाम, क्योंकि खुद की जिंदगी खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और बाढ़ का प्रकोप हम देख पा रहे हैं। इलाके जलमग्न हैं, हर तरफ भारी तबाही और लोग काफी परेशान हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात में बाढ़ के जो सितम है वो देखने को मिल रहा है इस वक्त, और हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग पानी में समाये हुए हैं, उनको बचाने की, उनको सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम लगातार जारी है। गुजरात में संकट बरकरार है, कई जिलों में अलर्ट भी जारी है, और बाढ़ प्रभावित नवसारी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कई दिनों से चलाया जा रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को अभी सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भी मौसम विभाग का अलर्ट। नवसारी में मौजूद है, ये एक पशु पक्षी घर है, और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ इंसानों की जिंदगी बचाने इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही जो पशु पक्षी इस पूरे बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं उसे भी बचाना है। आप ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम एक पशु पक्षी घर में मौजूद है, और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है, और अभी भी लेकिन ये जो लोग हमारे साथ मौजूद है वो कोशिश कर रहे हैं जितने पशु पक्षी बच सके उनको बचाया जा सकते। तस्वीरें आप देखिए इस पूरे इलाके की, 24 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा पशु पक्षी घर है, नवसारी हाईवे पर मौजूद। लेकिन जैसे ही तेज बारिश हुई, बाढ़ का पानी इसके अंदर घुस चुका, और पूरा का पूरा ये जो शेल्टर होम है पूरी तरीके से पानी में डूब गया। अब देखिए यहाँ पर अब पशु पक्षी को बचाने की जो कवायद है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद है, इतनी भारी बारिश में और इतना ज्यादा जो फ्लडिंग है फिर भी वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पशु और पक्षी बच सके। सर कैसे?